Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. और यार आज का वाला वीडियो ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने Minecraft वर्ल्ड में एक बहुत ही तगड़ा UFO बनाया था. भाई ये UFO का डिजाइन बहुत ही क्रेजी था, और इसमें जो लाइट थी वो इस UFO को एकदम रियलिस्टिक बना दी थी. बट यार आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा, मतलब रियल लाइफ में नहीं, मूवीज में देखा होगा कि कैसे UFO में से एक लाइट बीम निकलती है, जो कि यार हमारे प्लैनेट की चीजों को खींच के ले जाती है ऊपर. तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही बनाने वाला हूँ, एक वर्किंग लाइट बीम, जो कि यार माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बीज, क्रीपर्स, स्केलेटन सबको उठा के ऊपर ले जाएगी और मार डालेगी. लेट्स गो यार, मजा तो बहुत आने वाला है बनाने में, और ये चीज ना देखने में भी बहुत तगड़ी लगेगी. ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे माइनक्राफ्ट के ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में. आप लोग को लग रहा होगा कि यार मैं काफी सालों साल बाद गेम खेलने वापस आया हूँ, बट नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था जो कि मैं भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ. तो देखो यार, हम लोग UFO की जो लाइट बीम है ना वो तो फिलहाल बनाते रहेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने रिसेंटली अपने वर्ल्ड में बिल्ड करी है. और वो बनाने के बाद भाई अपना ये जो वर्ल्ड है ना इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया कि आप लोग भाई हैरान होने वाले हो. बाकी हाँ यार, आप लोग को तो पता है कि मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को सुंदर सा बनाने में कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ. तो अभी अभी आगे भी बहुत सारी चीजें बनेंगी, बट फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने वर्ल्ड में क्या बनाया है. तो आप लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने ना यहाँ पर दो लेक बनाई थी, एक ही राइट वाली और एक ही लेफ्ट वाली. बट अभी मैंने इस लेक को पूरा एक्सटेंड कर दिया है. ये देखो, यहाँ से एक नदी जा रही थी, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, और ये नदी एकदम स्ट्रेट जा रही है, और सारा का सारा पानी एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में. तो देखो भाई, ये है अपना कासल, और कासल में ये जो रस्ते है ना, इस रस्तों में आप लोग डिजाइन देखो, पहले ही काफी फ्लैट से थे, बट अभी इन सभी रस्तों को ना मैंने ऐसे थोड़ा अजीब सा कर दिया. मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा कच्चा टूटा फूटा रास्ता है. तो उस टाइप के मैंने कच्चे कच्चे क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स, मॉसी स्टोन, कॉबल स्टोन, ये सब मैंने यहाँ पर लाके लगाए. और एक और कूल चीज, जो लोग अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट की सीरीज बहुत पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर खड़े होकर हमारा गोल्डन मेंशन सामने कभी नहीं दिखता था, क्योंकि उसके बीच में ना बहुत सारे ट्रीज आते थे. तो मैंने उन सारे ट्रीज को जला डाला भाई, सारे ट्रीज जला के साइड कर दिए, क्योंकि मुझे चाहिए था भाई मेरा स्टैचू और मेरा वो ब्यूटीफुल सा गोल्डन मेंशन आराम से हमें यहाँ से दिखे. और अभी वो एकदम अच्छे से नजर आता है. अरे 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 अरे, इतने रुक जा, गंदी बात, पीछे इधर आ, इधर शवल से मारे शवल. अरे चलो यार, देखो ट्री हाउस पे ना मैंने थोड़ी बहुत पत्ती झाड़े लगाई थी, पर अभी ये इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, ये देख रहे हो कहाँ कहाँ तक लटक रही है. तो मैं कहीं से भी ऊपर जा सकता हूँ, यहाँ से आराम से ना लटक के मैं ऊपर चलता हूँ, एकदम प्यार से जाते हैं ऊपर. और ये हमारा दरवाजा, वैसे तो बहुत सारे रस्ते इस घर में एंटर करने के, मैं ऐसे बीच से भी आ सकता था ऊपर, यहाँ पर एक लैडर है इससे ऊपर चलते हैं. और ये है हमारा बेडरूम, बहुत घर है भाई. लेट्स गो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस. नेक्स्ट डे हो चुका है, और यार ट्री हाउस में ना सुबह उठते ही एकदम वो बर्ड्स की आवाज आने लग जाती है, क्योंकि मैंने इसकी छत पे ना कुछ ऐसे पैरट्स को बैठा रखा है, मस्त मस्त आवाज निकालते रहते हैं. बाकी एक चीज तो है, ट्री हाउस ना काफी प्यारा लगता है. देखो इस तरफ से हमें कासल दिख रहा है, इधर म्यूजियम दिख रहा है, नीचे साइड पे जू दिख रहा है, और ये इधर UFO दिख रहा है, और सामने अपना गोल्डन मैंशन और स्टैचू दिख रहा है, और यहाँ से अम्यूजमेंट पार्क थोड़ा बहुत दिख रहा है. तो ये यार सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन पे पूरा का पूरा वर्ल्ड नजर आ रहा है यहाँ से. बाकी छोड़ो यार, वो सब अभी बातें चलती रहेगी, मैं अब जा रहा हूँ UFO बनाने के लिए. तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले मैं UFO को बनाने के लिए ना एक बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढ रहा था, और आप लोग को पता नहीं होगा मैंने ये जगह क्यों सिलेक्ट करी. एक तो ये चीज थी कि भाई ये जगह ना काफी ओपन स्काई में थी, तो जगह तो ऑलरेडी मस्त थी, बट इस जगह के नीचे था एक मॉब स्पॉनर. जिन लोग को मॉब स्पॉनर नहीं पता, मैं बता देता हूँ भाई, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से ज़ॉम्बीज ऑटोमेटिकली निकलते हैं. अबे यार आर्मर ही पहन लेता हूँ, इलाइट्रा तो मुझे मार ही देगा भाई कसम से. मेरी ही स्वॉर्ड से उसे आग लगी और मुझे ही आके उसने जला दिया. भाई ये ज़ॉम्बी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जहां पर मैं खड़ा हूँ ना, अरे यार भाग यहाँ से. अबे तो क्या हो गया, मेरा निशाना खराब हो गया यार आजकल. ये होता है यार जब बहुत ज्यादा दिनों बाद खेलो ना, ज़ॉम्बी जैसे चूरन से लोग मुझे मार के जा रहे हैं. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, एग्जैक्ट इस लोकेशन के नीचे एक है मॉब स्पॉनर जिसमें से ज़ॉम्बीज निकलते हैं. मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो जो ज़ॉम्बीज है वो यहाँ से ट्रैवल करके इस UFO के नीचे जाएं, और वो UFO इन ज़ॉम्बीज को उठा के ऊपर ले जाए, और उन सब एरियाज को मैं कवर करने वाला हूँ. तो देखो इसमें ना बहुत सारे लाइम स्टेन ग्लास है, और ये देखने में ना एग्जैक्ट एक लेजर जैसे लगेंगे जो कि UFO से निकलती है. तो मैं कुछ इस टाइप से उसे ऐसी लुक देने वाला हूँ.
तो ऊपर से जब बनेगा तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट फिलहाल के लिए से, अरे मेरे पे सिल्क टच नहीं है यार, कोई नहीं 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 है, चलो इसे डाल देते संभाल के। तो अभी काफी सारा और भी सामान हमें इकट्ठा करना पड़ेगा उसे बनाने के लिए, बट उससे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसा सिस्टम जो कि इधर के ज़ॉम्बीज़ को ट्रैवल करके उधर ले जाएगा। मेरी शवल ये है, यहीं कहीं पर वो था, मैं एक बार खोद के देख लेता हूँ जहां तक मुझे याद है। मैं पहले केव के थ्रू गया था, तो अभी केव के थ्रू ना थोड़ा सा ये रहा। तो देखो भाई यहाँ पर है वो मॉब स्पॉनर, और ये देखो यहाँ पर ना भी ज़ॉम्बी स्पॉन क्यों नहीं हो रहे यार, एक सेकंड इसमें से। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर टॉर्च लगाया था, और ये देखो जैसी यहाँ से लाइट हटी ज़ॉम्बी स्पॉन होना यहाँ पर चालू हो गए। तो अभी बस क्या है, अपने पास एक टाइप की ऐसी मशीन है जिससे हमें मॉन्स्टर्स मिलते रहेंगे। मैं ना बस अभी इसको यहाँ पर टेस्ट करने। अरे बाप रे भाई, सीधा सीधा चार चार ज़ॉम्बीज़, थोड़ा सा एरिया क्या बड़ा कर दिया तुम तो पूरा ही। भाई अपना ये जो मतलब पूरा का पूरा एरिया है ना, बहुत तगड़ा काम करने वाला है, सच बता रहा हूँ। यूएफओ को देख के, अरे मेरे को जाने दो भाई, जाने दो जाने दो जाने दो, मैं मतलब सही में यार यूएफओ को। अरे भाई भाई भाई, एक सेकेंड यार, तुम मारोगे क्या? उधर उधर सरक सरक, इधर हट तू। एक काम करता हूँ, मैं ना लाइट लगाई देता हूँ यहाँ पर, वरना मुझे परेशान कर देंगे। चलो भाई, अभी अपना जो ज़ॉम्बी का स्पॉनर है उसकी टेस्टिंग एकदम बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपने यूएफओ की लेजर बीम। देखो यार उसको बनाने के लिए ना, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा काम है। बट उससे पहले मुझे ना यहाँ पर कुछ लोगों को फोड़ना पड़ेगा। इधर आ, अरे दो मिनट सांस लेने दो मुझे प्लीज। आओ भाई, वे 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 वे, फूट किससे पूछ के रहे तू, किससे पूछ के? आजा आजा, फूल फूल फूल, निकल यहाँ से। अबे ये कहाँ से आ रहा है पानी से निकल के? अबे फिर चला गया पानी में, इसकी अलग ही, तू नीचे ही रह, सही है। हाँ, तो मेरे पास ये है शल्कर बॉक्स, और इस शल्कर बॉक्स में है बहुत सारे ग्लासेस। ये देखो, ये है सारे लाइम स्टेन ग्लास। एक तो यार फालतू का सारा आइटम इसमें डालो पहले, और अपने पास में रख लेता हूँ लाइम स्टेन ग्लास। तो अभी सीन बस कुछ ऐसा है कि इस लाइम स्टेन ग्लास को मैं लगाने वाला हूँ ऊपर तक। बट ऊपर जाने के लिए ना मैं स्कार्टिंग लगा सकता था, बट मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। मैं इस रॉकेट से उड़ता हुआ जाऊंगा और यहाँ पर पानी डाल दूंगा, बस हो गया। अब मैं इस पानी में आ जाऊंगा। देखो यार, जब बहुत ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलो तो कुछ कुछ नई नई चीजें पता चली जाती हैं। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं इस ग्लासेस को लगाता हुआ नीचे जाने वाला हूँ पूरा फुल स्पीड में। एक दो तीन, फिर उसके बाद सबको कंप्लीट करना है। भाई साहब, अभी ना मैंने अपनी इस बीम को काफी हद तक कंप्लीट कर दिया है। मैं बस एक बार बाहर से देखना चाह रहा हूँ। ओ भाई वेट, अभी से ही देखने में थोड़ी ऐसे डरावनी सी लगने लग गई है। बाद में ना मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइट्स लगाने वाला हूँ, थोड़े बहुत इसके अंदर अजेलियाज लगाएंगे जिसके अंदर से ना क्या होता है, स्पार्कल्स गिरते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। तो बहुत कुछ इसके अंदर करने वाले हैं जिससे काफी डरावना सा और ऐसे लाइट वाला लगेगा। बट अभी तो यार आधा बना है और अभी इतना ज्यादा क्रेजी लगने लग गया है। तो ठीक है यार, ऊपर चलते हैं और दोबारा से इसका बिल्ड स्टार्ट। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रॉकेट क्यों यूज करता हूँ थोड़ा सा ऊपर आने के लिए, बट ठीक है, आओ बच गए। मुझे लग रहा था मैं नीचे गिरने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैंने पूरी की पूरी ये जो लेजर है ना इसे कंप्लीट कर डाला है। तो बस इसे ना एकदम ऐसे बॉटम तक, बीच में थोड़ा सा कनेक्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है, बट हो जाएगा, ऐसे कुछ स्ट्रेस नहीं है। वैसे तो मैं बहुत तेज बिल्ड करता हुआ यहाँ तक आ गया, बट यहाँ पर थोड़ा सा ना डार्कनेस है, और जितने भी ब्लॉक्स है ना वो भी मुझे एकदम ऐसे आराम आराम से लगाने हैं। भाई वैसे सही बताऊं ना, ये जो मेरे पास ग्लास है ना ये भी ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए थे, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बनाकर लाया हूं, और अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया भाई। अब मुझे ना वाटर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के कुछ ब्लॉक्स है जो कि मैं इधर खड़े होकर नहीं लगा सकता। तो एक और दो बस खत्म भाई, लेट्स गो। हम लोगों ने पूरी की पूरी जो बीम है वो बना डाली है। एक बार बाहर चलकर देखते हैं कि आखिरकार वो दिख कैसे रही है। आओ रुको, यहां से पहले ना मैं बाहर निकलूं और इधर वापस लगाऊंगा। परफेक्ट, तो रात हो चुकी है, इसके अगल बगल ना भी थोड़ी बहुत लाइट्स है इसलिए नीचे से तो ये ग्लो हो रही है, बट ऊपर काफी ज्यादा डार्क है। और अभी से ही ऐसा लगने लग गया है कि भाई एक्चुअल में वो यूएफओ से भाई कुछ तो खतरनाक सी एक लाइट निकल रही है। बट सही बताऊं तो अभी प्रॉपर वो लाइट नहीं लग रही है, अभी ना वो ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है ग्लास का ही। अरे नहीं यार, लाइट लग रही है यार वो। देखो जो नीचे वाला एरिया है ना वहां पर एक ग्लो आ रहा है, तो वो लाइट लग रही है। अरे यार ये देख, फिर आ गए कोलैप करके तुम्हारे, ऐसे के तैसे भाग यहाँ से। चलो यार, अभी ना सच में रात में तो कुछ काम मैं यहाँ पर कर नहीं सकता, बट जो भी कहो यार अपना यूएफओ, सच बता रहा हूँ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और अभी से ही इतना ज्यादा तगड़ा लगने लग गया है। उसके बाद अगर मैं इसमें भी और लाइट्स कर दूंगा उसके बाद तो यार ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगेगा। मैं मतलब यार इतना प्यारा लग रहा है, दूर दूर से उसे देखने में मजा आ रहा है। भाई अभी तो उसके अंदर मैं इतनी टाइप की लाइट्स लगाऊंगा, इतने टाइप के और भी आइटम्स लगाने वाला हूँ जिससे वो भाई क्या लग रहा है। लेट्स गो यार, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं शेडर लगा के इसे देखूं एक बार, क्योंकि शेडर से थोड़ी चीजें और रियलिस्टिक हो जाती है। बाकी हाँ यार, मेरे घर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, मैं खुद ही को भूल जाता हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ वापस से ट्री हाउस में रहने के लिए। कल हम लोग दोबारा से यहाँ पर काम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स गो, सोने चलते हैं भाई, आज अंदर वाले रास्ते से जाएंगे। ये आ चुके हैं हम लोग अपने घर पे, और ये है हमारा बेड।
गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी ना सीधा ऊपर से ही चलेंगे यार, यहाँ से सीधा, यहाँ से पहले पहनेंगे इलाइट्रा, फिर मारेंगे एक छोटा सा जंप। बट अभी मुझे ना नीचे नहीं जाना है, अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से डायरेक्टली एक ओशन में, क्योंकि मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे केल्प्स। वैसे हो सकता है कि यार मेरे कासल में किसी चेस्ट में पड़े हो, बट अभी ना ढूंढा ढांडी करने से बढ़िया कि मैं जाके ओशन से इकट्ठा कर लूं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। और आप में से जिन लोग को नहीं पता भाई केल्प किस काम आते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। भाई देखो, सिंपल सा सीन है, एक सिंपल सी मैथ है। ये है अपना वाटर और ये जो जितना भी एरिया निकल रहा है ना, ये एक एक्चुअल वाटर नहीं है, ये बस ऐसा बहता हुआ पानी है, ये है वाटर सोर्स। तो जब भी हमें लिफ्ट बनानी होती है ना, तो हमें लिफ्ट बनाने के लिए वाटर सोर्स चाहिए होता है सोल सैंड के ऊपर। तो या तो मैं बहुत सारी वाटर बकेट्स जाके डालूं, या फिर मैं केल्प के थ्रू वाटर को डुप्लीकेट कर लूं। तो ये समझ लो बस पानी को डुप्लीकेट करने का काम आता है, उसे कलेक्ट करना इजी है, बस नीचे से तोड़ दो सारा, नीचे से ऐसे खूब सारा तोड़ दो बस। अब मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर जाके सारा का सारा कलेक्ट करना है। ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगाएगा ऊपर आने में फ्लोट करता हुआ, पर कोई बात नहीं, शायद से मुझे जितना चाहिए था इनफ है यार। वैसे यार एक और चीज, कभी भी केल्प कलेक्ट करने जाओ ना, तो उसे पूरा नीचे से मत तोड़ो, पूरा नीचे से तोड़ देंगे ना तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए टूट जाता है। अभी क्या है, अगर मैं एक ब्लॉक ऊपर से तोड़ूंगा ना, तो थोड़े टाइम बाद में आऊंगा तो ये वापस ग्रो हो जाएगा। तो सिंपल सा वही है कि इसकी रूट्स मत तोड़ो, थोड़ा थोड़ा ऊपर से तोड़ देते वो ज्यादा बेटर है। कल को कहीं दोबारा आना पड़ेगा तो मुझे कहीं दूर नहीं जाना, मैं अपने कासल के सामने से ही जाके कलेक्ट कर सकता हूँ। ओ भाई साहब, इधर तो बहुत सारा है, यहाँ तोड़ते हैं, यहाँ पर तो भाई एक ही बार में हो जाएगा। चलो भाई, हजारों की मात्रा में केल्प मैंने तोड़ डाला है। अबे एक सेकंड, क्या हो गया मुझे? वैसे यार एक सेकंड, जितना केल्प मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ना यार, इतने की ना सच बता रहा हूँ जरूरत नहीं है। मैंने पता नहीं कुछ 4-5 स्टैक्स इकट्ठा कर लिया भाई, बेचना थोड़ी है ले जाके। तो लेट्स गो, अभी वापस से चलते हैं अपने UFO के पास। और UFO के सामने मैंने जो ज़ॉम्बीज का एरिया बनाया था ना, मुझे बस उस एरिया को अब ऐसा बनाना है कि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सारे के सारे तैरते हुए मेरे UFO के नीचे आए। और उससे भी पहले मुझे UFO का ये जो बीम है ना, इसको थोड़ा सा डीप ले जाना पड़ेगा एक टनल बना के, उसके बाद एक रास्ता बना के वो जो हमने ज़ॉम्बी का स्पॉनर एरिया बनाया ना, उसे वहां से कनेक्ट करना है। बट यार ये नीचे ना पानी वानी ना आए यार, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे गड़बड़ क्या ही होगी, मैं इस पानी को ना पहले ही बंद कर दूंगा, इसको अभी कवर कर देते हैं, बाद में ना दिक्कत दे। चलो तो अभी सिंपल सा एक ये करना है कि मेरे को यहां से बनानी है एक टनल। भाई साहब, मेरी शवल एकदम मशीन की तरह काम करती है, मेरे को तोड़नी एक डर्ट है टूट रही है चार चार, बट ठीक है। अभी हमने काफी मस्त एकदम खड्डा कर डाला यहाँ पर। अब सबसे पहले ना कवर कर देते हैं उस एरिया को जहाँ पर आने वाला है अपना ये UFO का बीम। चलो गाइस डन, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने अच्छे से कवर कर दिया अपने UFO को, इस बीम को चारों तरफ से। अब ना यहाँ पर एक बस बढ़िया वाला होल बनाना है। तो पहले यहाँ पर जितनी भी ये डर्ट है ये हटा देता हूँ, जितने भी स्टोन है इसको भी साइड करते हैं। तो देखो यार, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि मैं ना इस एरिया को काफी डीपली डिग कर चुका हूँ, आप लोग खुद देखो भाई कितनी ज्यादा डेप्थ आ गई। बट जितना भी मैं नीचे आया ना, मुझे इसका भी डबल नीचे और लेकर जाना है, क्योंकि जो अपना ज़ॉम्बीज़ का स्पॉनर था ना, वो भी कुछ इसी अंडरग्राउंड हाइट पे था। तो मुझे अभी इस एरिया को थोड़ा बहुत और डाउन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो इजीली यहाँ से ऊपर जा पाए। तो उनको कैच करने के लिए थोड़ा तो यार देखो नीचे जाना ही पड़ेगा। ओ नाइस नाइस, एकदम करेक्ट आए भाई। देखो ज़ॉम्बीज़ भाइयों, अभी मेरे ऊपर मत कूदना ठीक है, अगर हो तो अभी मत आना प्लीज। मेरे हिसाब से मैंने लाइट लगा रखी थी, इधर स्पॉन नहीं होंगे, इनको अंधेरा चाहिए होता है, यहाँ पर लाइट है कोई नहीं आने वाला। तो ठीक है, हमने टनल काफी हद तक एकदम करेक्ट बनाई है, बट उस टनल को ना यार अभी हमें थोड़ा सा और अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो देखो यार, सिंपल सा सीन है, मुझे ना अभी इधर एक बहुत बड़े वाला गड्ढा करना पड़ेगा जो कि इस नीचे वाले टनल से जाके कनेक्ट होगा। तो या तो भी मैं इधर एक बीकन ला के लगा दूं जिससे मुझे हेस्ट इफेक्ट मिल जाएगा और मैं तेज तेज सारे पत्थर तोड़ दूंगा, या फिर मैं TNT ला के इधर फोड़ू। बट छोड़ो यार, दोनों ही काम टाइम टेकिंग है, 2-5 मिनट ज्यादा लगेंगे, मैं अपनी पिकेक से ही कर लूंगा। तो देखो यार, अभी ना सब कुछ सॉर्टेड है, बस मुझे उतना एरिया बनाना है जहां से ज़ॉम्बी सारे के सारे जाएंगे यहां तक। और एक बार अगर ज़ॉम्बीज़ यहां पे पहुंच गए, फिर उसके बाद वो इस UFO में ऊपर चले जाएंगे और हमें नीचे से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये UFO उन्हें ऊपर खींच रहा है। मुझे ना इन सबको यार यहां से थोड़ा बहुत हटा देना है कि ज़ॉम्बीज़ ना, मैं चाह रहा हूं बीच में ना अटके यार किसी भी तरीके से। तो मैं ये कह रहा था, अभी मुझे ना सबसे पहले बेस पर यहां लगाने हैं सोल सैंड्स। 1, 2, 3, 4। और यार एक और चीज, मैं इस टनल को बंद कर कर आ जाता हूँ, वरना बाद में ना इधर ज़ॉम्बीज स्पॉन होंगे। लेट्स गो, टनल हो गई है बंद, इधर लगा दिए सोल सैंड, परफेक्ट। सोल सैंड पर चढ़ते देख रहे हो सब कुछ कितना ज्यादा सा डायनेमिक सा हो गया, क्योंकि मेरे पास ये जो बूट्स है ना, इसमें सोल स्पीड लगा हुआ है, वो भी 3rd स्टेज का। तो अभी सबसे पहले ना मुझे ऊपर से जाकर पानी डालकर आना है, और मेरे को चाहिए वो सारा का सारा पानी बहकर नीचे आए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर एक टॉर्च लगा देता हूँ, सब कुछ रेडी है, अब बस ऊपर जाना है। तो पानी से ही लटकते हुए जाते हैं भैया, बेस्ट तरीका तो यही है। लेट्स गो भाई, क्या स्पीड से मैं बोलने ही जा रहा था, वैसे ही नीचे आ गया। हाँ, तो मैं काफी तेज स्पीड में इस पानी के थ्रू क्लाइम करता हुआ UFO के एकदम टॉप तक आ चुका हूँ। अब बस ना यहाँ पर मुझे इस पानी को हर तरफ डालना है। तो
चलो यार सब कुछ हो चुका है, एक बार दोबारा से नेदर जाता हूँ और सोल सैंड लेक। वैसे यार नेदर जाने की ना जरूरत भी नहीं है, मुझे सोल सैंड ना मेरे किसी चेस्ट में मिल जाएगी, वहीं से लेकर आते हैं। लेट्स गो। अबे भाई इधर चमगादड़ का स्पोन। अरे क्या हो गया भाई? हेलो। अरे यार इधर तो बैट्स स्पोन होने लग गए भाई। चलो कोई सीन नहीं, इनको भी देख लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकल। भाई ये एग्जिट बहुत ज्यादा प्यारी है, 2 सेकंड में बंदा बाहर। चलो तो सोल सैंड लेकर आते हैं और पूरी का पूरी एरिया को लिफ्ट वाला बनाते हैं, फिर ज़ॉम्बीज़ को उतार के ऊपर भेजना है और लास्ट में मैं अपने यूएफओ की जो बीम है उसे बहुत तगड़ा करने वाला हूँ। लेट्स गो गाइस। तो सोल सैंड कलेक्ट करने के लिए मैं वापस से पहुंच चुका हूँ नेदर में। बट एक सेकेंड, ये घास कहाँ पे है भाई? आवाज तो आई है उसके मारने की, बट ठीक है अभी उसको छोड़ो। मैं एक काम करता हूँ, जितना भी सामान था मेरे पास ये सारा फेंकते हैं और अभी मुझे यहाँ पर चाहिए होगी बहुत सारी सोल सैंड। तो यहाँ से, अरे वेट, मैं वापस से सोल सॉइल कलेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में ना बहुत लाइट सा डिफरेंस है। ये देखो, ये होती है सोल सॉइल और ये होती है सोल सैंड। मतलब ब्राउन कलर की है बट थोड़ा सा शेप एंड डिजाइन अलग है। मतलब शेप तो सेम है, शेप तो क्यूब ही है बट थोड़ा सा डिजाइन लगे। और एक सेकंड भाई, किसकी बारात में जाना जो मैं इतनी सारी कलेक्ट कर रहा हूँ? चलो यार बहुत सारी मैंने सोल सैंड इकट्ठी कर ली है, अभी फटाफट से चलते हैं अपने कासल पे बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस, तो कासल पे वापस आ चुके हैं। उससे पहले कि घास्ट मेरे ऊपर, एक सेकंड भाई, बचा लिया मैंने डॉज का। अरे रुक जा, मेरा कासल टूट जाएगा आगे। वाह, मेरी कासल की दीवार तोड़ दी, मैं जा रहा हूं भाई। यार ये बहुत आई मेरा कासल, मैं यहां पर 5 मिनट रुक गया ना, ये यहां पर घास्ट। अरे भाई साहब, जिंदगी में पहली बार मेरा पोर्टल किसी ने तोड़ा है भाई। क्या दिन आ गए यार, ये देख रहे हो मैं अपने पुराने सरप्राइज वाले पोर्टल में आया था जो कि सीधा टेलीपोर्ट होता था हमारे नेदर वाले कासल पे, जो कि 20 मिलियन का सरप्राइज था। वैसे ये सब तो आपको पता ही है, खैर छोड़ो। भाई इस कास्ट ने ऐसा अटैक करा कि भाई पोर्टल ही टूट गया। खैर ठीक है, चलो अच्छी बात है, अभी हम लोग सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। अब फटाफट से हम लोग ये सोल सैंड लेकर चलते हैं अपनी उस लिफ्ट को कम्प्लीट करने के लिए। ज़ॉम्बी का स्पॉनर रेडी है और अब बारी है इस बीम को कंप्लीट करने की। यार सही में किस्मत लग रहा है खराब है, मुझे टर्टल एग नहीं मिल रहा। तो दूसरी एक ऐसी चीज है जो कि ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करती है अपने पास और वो है विलेजर्स। तो यानी मुझे अभी किसी एक विलेजर को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। मतलब विलेजर्स तो मेरे पास है बट उस विलेजर को उस मतलब एरिया तक ले जाना पड़ेगा। वैसे तो काम मुश्किल नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है फिर जल्दी से किसी, अरे यार ये बढ़िया लग रहा है, तू ही चल बेटा मेरे साथ, तू ही चल रहा है अब तो। आ तेरे को सैर करा के लाऊं। तो ये मैंने बना लिया एक मस्त बोट। आ जाओ बेटा, बेटा इसमें बैठो जल्दी से आपको छोड़कर। अरे वाह कितना अच्छा बच्चा, जल्दी से बैठ गया, आ जाओ अब इसको लेकर चलते हैं भाई सैर करा कर लाते हैं। भाई ये तो बिल्कुल मूवी वाला सीन हो गया कि एकदम खतरनाक बारिश हो रही थी और गली से एक बंदे को किडनैप कर लिया। अरे एक सेकंड यार, एक तो बोट इतनी धीरे चलती है ना, इतनी देर तक चला रहा हूँ, अभी यहीं तक पहुंचा हूं मैं। वेट एक सेकंड, मुझे यहाँ से क्यों जाना है? मेरे पास तो लेक्स है ना यार, लेक्स का यूज करते हैं। गाइस माइनक्राफ्ट में ना एक बहुत ही मस्त अपडेट आया हुआ था जिसके बारे में मैं भूल गया था कि अब हम लोग अपनी बोट को स्लेट से भी खींच सकते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से ले आया और अब तो अपना काम ही और भी ज्यादा इजी हो गया। लेट्स गो। मैं वही सोच रहा था कि आखिर मैं इसे लेकर कैसे जाऊंगा। यार वैसे मुझे एक और चीज टेस्ट करनी थी, अगर मैं यहाँ पर इसे जंप कराना चाहूँ तो क्या ये जंप करेगी? शायद से जंप नहीं करेगी यार। ओए ये जंप भी कर रही, आजा आजा चल 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 चल। यार ये तो ज्यादा इजी आइडिया था, मैं खाली पीली टेंशन ले रहा था। लेट्स गो भाई, ये अपडेट माइनक्राफ्ट, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। मैं सच बता रहा हूँ भाई, पहले बोट के थ्रू किसी भी बंदे को जमीन पर इधर से उधर ले जाना एकदम इम्पॉसिबल जैसा था। मतलब जमीन पर इजी था बट जैसे ही कहीं पर भी क्लाइम करने की बारी आती थी ना, तो भाई फिर हमें पिस्टन बनाना पड़ता था, तो पता नहीं क्या बनाना पड़ता था। बट अभी, अरे 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 क्या हो गया, मेरा लेड कहाँ गया? मैं, तूने कहाँ गायब कर दिया सामान? एक और बना के लाना पड़ेगा क्या यार इतने से के लिए? अच्छा ये यहाँ कैसे गिर गया यार? यहाँ से ना चढ़ नहीं रहा, किसी दूसरी जगह से ले आना पड़ेगा। विलेजर के पीछे मकड़ी आ रही है बहुत तेज। वो तो भाई अच्छी बात है कि मैंने एक और रास्ता यहाँ पर बना रखा है, वरना मुझे भी अपना ब्रिज तोड़ना पड़ता। अरे तेरे चक्कर में ना वो पागल है क्या, मेरी मेहनत खराब कर रहा है। बाहर निकल, एकदम उसकी बोट में बैठ के विलेजर को मार रहा है बेशरम आदमी। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार भाई मेरी वो कहाँ चली गई। ओ वेट, मेरे पास ही पड़ी है का भाई? भाई छोटा सा काम नहीं है पर ये जितने मॉब्स आ जाते हैं ना परेशान कर डालते। एक तो मेरे आधे से ज्यादा रॉकेट तो ऐसे ही खराब हो रहे हैं। अबे क्या हो रहा, कहाँ अटक रहा है? इधर से आना, घास में कहाँ अटक रहा है? आजा, वेरी गुड, आजा 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 आजा। अच्छी बात है भाई, इस पे तो चढ़ जाएगा ना यार। ये वापस कर, सोने कहाँ जा रहा है? बाहर निकल, इस पे बैठ, ना मानेगा ये। चल बाहर चल, चल बाहर चल, फिर एक्टिंग एक्टिंग, उधर चल, भागा भागा। अरे बदतमीज आदमी, इतनी मेहनत करवा रहा है। को यार मेरा ही विलेज है, बेड रख कर आ जाऊं, इस पे बैठ जा चुपचाप। हाँ चल, दिमाग खराब कर दिया यार इसने एक मिनट के अंदर। चलो यार अभी मस्त एक शॉर्टकट मारता हुआ मैं अपनी बोट को पानी के पास लेकर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से पानी में कुदाते हैं और शॉर्टकट मार के जल्दी से अब हम लोग पहुंच जाएंगे अपने मस्त से। अरे इसका मुंह भिड़ जाएगा, बैठ जा खड़े में तो भाई इसका मुंह भिड़ेगा। ओ कुछ हुआ,
हाँ जिंदा जिंदा। अरे यार एक तो ये मेरी डेकोरेशन भी ना मेरे को ही आज दिक्कत दे रही है। देखने में तो अच्छी लगती है पर बोट चलाने में भिड़ भिड़ के टूट रही है। लेट्स गो भाई, अभी मैं अपनी बोट को फॉर्मूला 1 की स्पीड में भगाता हुआ लेकर दूसरे पोर्ट पर आ चुका हूँ और मैंने अपनी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बट ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अभी से बाहर निकालते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बाहर आ जाएगी ना? आ जानी चाहिए यार यहाँ से तो बाहर। आजा, आ रही आ रही आ रही। आजा 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 आजा। नाइस, देखो अपडेट तो अच्छा निकाला माइनक्राफ्ट। इसमें कैसे अटक रही है? जो चीज पूरा एक पहाड़ चढ़कर यहाँ तक आ गई वो इसमें पत्थर में अटक रही है। चलो अब अपनी जो मंजिल है वो ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। यार एक तो दुख इस बात का ना, रात का टाइम है भाई, क्रीपर स्केलेटन आगे पता नहीं क्या क्या खड़े हुए हैं भाई मेरे से लड़ने के लिए। ठीक है, इनकी नजरों से चुपचाप निकल जाऊं तो बढ़िया रहेगा, वरना उतर के ना फोड़ना पड़ेगा भाई। क्रीपर आ गया ना भाई, एरिया तो बर्बाद करेगा, मारेगा लगम दोनों। आगे ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सेफली आ गया हूँ। यहाँ से अरे मैं बोल ही रहा था क्रीपर आएगा, रुक जाओ आने तो। पीछे तो खाली एरिया, तू आजा तेरे को बताता हूँ मैं। निकल यहाँ से। हाँ ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में दिन होने वाला है। मैं अबे क्रीपर पागल उसकी बोट में आके बैठ गया। वाह भाई, मैं मारने जाऊंगा ना, फूट ना जाए। विलेजर भी मार देगा भाई ये तो। नाइस भाई, विलेजर कोई ऐसे बैठने आया, मना कर दिया कर कि जगह नहीं है। तू आजा पहले, तू लड़ ले मेरे से। वाह जला दिया, वेरी गुड। आ इधर से आ। ए यार बेशर्मी की हद ही बार हो गई है। अब कहाँ जा रहा है निकल के? अब इधर आ, इतनी मेहनत से इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ मैं। चल बैठ जा इस पे, चल बैठ। वेरी गुड भाई, बहुत जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं यार माइनक्राफ्ट के अपडेट के बाद भी। ये देखो ऐसे तो आ रहा है ऊपर ये। चला भाई, ये वाली चीज आराम से चढ़ जा रहा है भाई। माइनक्राफ्ट ने ग्लिच अपडेट दिया यार, छोटे वाले पत्थर ये बोट नहीं चढ़ पा रही, बड़े बड़े एक एक ब्लॉक। ठीक है माइनक्राफ्ट, नहीं बोलूंगा तुम्हारे बारे में कुछ। क्रीपर ही भेज दिया मेरे मुंह पे। आजा भाई गड्ढे में। अरे वाह क्या तेज आता है यार। देखो अगर मैं यहाँ से भाग के जाऊँ ये देखना कितनी तेज आएगा। वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही सही हो गया। इलाइटर से उड़ा के भी ले जा सकते हैं क्या? एक बार उड़ के देखो। वो उछला भाई, ये क्या था? ये तो मेरे को पता ही नहीं था। वह कहाँ गया? पीछे, इस बार पीछे ही रह गया। पहले पता होता तो तेरे को उछाल उछाल के ले आता मैं। तेरे से ये बांधना है और मुझे ऐसे उड़ना है। ओ वाओ, कहाँ गया? ओ तेरी, ऐसे लगा भाई यूएफओ से लैंड हुआ है। चलो भाई ठीक है, अभी तो मुझे काफी सारी नई नई ट्रिक्स पता चल गई, जो कि यार मुझे बहुत पहले से पता होनी चाहिए थी, बट हाँ नहीं खेल रहा हूँ इतना टाइम से तो इसलिए नहीं पता थी। पर ठीक है, अभी हम लोग अपने विलेजर को बहुत ही सही जगह पर लेकर आ चुके हैं। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले। नहीं इधर आ तू, चल यहाँ से। वह बड़ा बेशरम था ये वाला क्रीपर, पत्थर पे भिड़ के वहीं फूटा है। चलो ठीक है, ये वाला एरिया तो हम लोग बाद में फिलहाल ठीक करते रहेंगे। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि मुझे नीचे का पूरा एरिया ऐसा बनाना है कि सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज है ना वो इस विलेजर की तरफ अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर फुल खड्डा करते हुए मैं जाने वाला हूँ नीचे वाले, और मुझे ना एक बार ही उसका लेवल देखना है। एक सेकंड।